हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वड्डक्का पुट्टी रामासामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वड्डक्का पुट्टी रामासामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक्वीन लूना फेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिल करके इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामासामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें एमएसएम आसकर नज़र आएंगे। रामासामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान रासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है जिसमें गौंडामढ़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया और एक आदमी वड्डक्कापट्टी रामासामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलंगना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंड ट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर ना करे, वड्डक्कापट्टी रामासामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है एक मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वड्डक्कापट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वड्डक्कापट्टी रामासामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वड्डक्कापट्टी रामासामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक्वीन लूना फेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने।
फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विग्नेश बाबू, विग्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिल करके इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथानाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामा सामी के रूप में हमें संतानामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें MSM आसकर नज़र आएंगे। रामा सामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभु सभा मारन नज़र आएंगे। और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है जिसमें गौंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया और एक आदमी व डाकू पट्टी रामासामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलैंगना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर न करे, वड़क्कापट्टी रामासामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कुपट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्कापट्टी रामासामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल RR मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्कापट्टी रामासामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक्वीन लूना फ्रेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विग्नेश बाबू, विग्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिल करके इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथानाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामासामी के रूप में हमें संथानामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें MSM आसकर नज़र आएंगे। रामासामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभु सभा मारन नज़र आएंगे और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं जैसे जान विजय रवि
तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नजर आएंगे। फिल्म का शीर्षक उथान सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है, जिसमें गौंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया और एक आदमी व डाकूपट्टी रामासामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कार्यालय गना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर ना करे, वड़क्का पुट्टी रामासामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 1.5 दी है 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कुपट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्कापुट्टी रामासामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्कापुट्टी रामासामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक्वीन लूना फेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात करें तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात करें तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिल करके इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामास्वामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें एमएसएम आसकर नज़र आएंगे। रामास्वामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उथान सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है, जिसमें गौंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया और एक आदमी व डाकूपट्टी रामास्वामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कार्यालय गना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक सान रोल्डन ने
के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर न करे, वड़क्कपुट्टी रामास्वामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 1.5 दी है, 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कुपट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्कपुट्टी रामास्वामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्कपुट्टी रामास्वामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक क्वीन लूना फ्रेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिल करके इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामास्वामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें MSM आसकर नज़र आएंगे। रामास्वामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है जिसमें गौंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया और एक आदमी वडक्कपुट्टी रामास्वामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलंगना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंड ट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर न करे, वडक्कपुट्टी रामास्वामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कपुट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने
रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्कापट्टी रामासामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्कापट्टी रामासामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक्वीन लूना फेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया है कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिलकर के इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामासामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें एमएसएम आस्कर नज़र आएंगे। रामासामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है जिसमें गौंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया और एक आदमी वडक्कापट्टी रामासामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलाना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी स्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर न करे, वडक्कापट्टी रामासामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कापट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्कापट्टी रामासामी मूवी के
अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल RR मीडिया को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्का पुट्टी रामास्वामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो डी क्वीन लूना फेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है, और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिल करके इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की, तो इस फिल्म में रामास्वामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं, और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें MSM आसकर नज़र आएंगे। रामास्वामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे, और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान रासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है, जिसमें गौंडामढ़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया, और एक आदमी व डाकू पट्टी रामास्वामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलंगना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर ना करे, वडक्का पुट्टी रामास्वामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में अब भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं, और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है, और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कू पट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्का पुट्टी रामास्वामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल RR मीडिया को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्का पुट्टी रामास्वामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो डी क्वीन लूना फेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है, और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिल करके इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश।
यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की, तो इस फिल्म में रामासामी के रूप में हमें संतानामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें MSM आसकर नज़र आएंगे। बारामा सामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे। और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं, जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है, जिसमें गौंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया और एक आदमी व डाकूपट्टी रामासामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कहलाए गना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर न करे, वड़क्का पुट्टी रामासामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में अब भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कुपट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्कापुट्टी रामासामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल RR मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्कापुट्टी रामासामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक्वीन लूना फ्रेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया है कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिलकर के इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की, तो इस फिल्म में रामासामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें MSM आसकर नज़र आएंगे। बारामासामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं, जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है, जिसमें
गौंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया, और एक आदमी व डाकू पट्टी रामासामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 से और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलाना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर ना करे, वड़क्कापुट्टी रामासामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है एक मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कुपट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्कापुट्टी रामासामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्कापुट्टी रामासामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक्वीन लूना फेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिल करके इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामासामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें एमएसएम आसकर नज़र आएंगे। रामासामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे और इस फिल्म में और भी कई कलाकार जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उथाम सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है जिसमें गौंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया और एक आदमी व डाकूपट्टी रामासामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 से और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलाना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर ना करे, वडक्कापुट्टी
रामास्वामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में अब भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 1.5 दी है 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कुपट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्कुपट्टी रामास्वामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्कुपट्टी रामास्वामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक्वीन लूना फ्रेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिलकर के इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामास्वामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें MSM हासकर नज़र आएंगे। रामास्वामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है जिसमें गौंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया और एक आदमी वडक्कुपट्टी रामास्वामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलंगना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी स्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर ना करे वडक्कुपट्टी रामास्वामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में अब भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कुपट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि
यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर झुल खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वड्डक्का पुट्टी रामासामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वड्डक्का पुट्टी रामासामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक्वीन लूना फ्रेम फेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया है कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिल करके इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामासामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें एमएसएम आस्कर नज़र आएंगे। रामासामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है जिसमें गोंडामढ़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया और एक आदमी वड्डक्कापट्टी रामासामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलाना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर ना करे, वड्डक्का पुट्टी रामासामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वड्डक्कापट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर झुल खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वड्डक्का पुट्टी रामासामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वड्डक्का पुट्टी रामासामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक्वीन लूना फ्रेम फेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है।
इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विग्नेश बाबू, विग्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिल करके इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथानाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामासामी के रूप में हमें संतानामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें एमएसएम आसकर नज़र आएंगे। रामासामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे। और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उथान रासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है जिसमें गोंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया और एक आदमी व डाकू पट्टी रामासामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलंगना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी स्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर न करे, वड़क्कपुट्टी रामासामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कुपट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्कपुट्टी रामासामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्कपुट्टी रामासामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक क्वीन लूना फ्रेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विग्नेश बाबू, विग्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिल करके इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथानाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामासामी के रूप में हमें संथानामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें एमएसएम आसकर नज़र आएंगे। रामासामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा
हमारा नज़र आएंगे। और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं, जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है, जिसमें गौंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया, और एक आदमी व डाकूपट्टी रामासामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कार्यालय गना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर न करे, वड़क्का पुट्टी रामासामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में अब भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कुपट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्कापुट्टी रामासामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्कापुट्टी रामासामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक क्वीन लूना फ्रेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिल करके इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामासामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें MSM आसकर नज़र आएंगे। रामासामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं, जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है, जिसमें गौंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया और एक आदमी व डाकूपट्टी रामासामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कार्यालय गना टीवी ने को बेचा गया है।
इस फिल्म के साउंड ट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर ना करे, वड़क्का पुट्टी रामासामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 1.5 दी है 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कुपट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्कुपट्टी रामास्वामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्कुपट्टी रामास्वामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक्वीन लूना फेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिल करके इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामास्वामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें MSM आसकर नज़र आएंगे। रामास्वामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान रासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है जिसमें गौंडामढ़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मर गया और एक आदमी वडक्कुपट्टी रामास्वामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलंगना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर ना करे, वडक्कुपट्टी रामास्वामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कुपट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने
रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वड्डक्का पुट्टी रामासामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वड्डक्का पुट्टी रामासामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक्वीन लूना फ्रेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिलकर के इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामासामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें एमएसएम आसकर नज़र आएंगे। रामासामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है जिसमें गौंडामढ़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया और एक आदमी वड्डक्कापट्टी रामासामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलंगना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंड ट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी स्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर ना करे, वड्डक्कापट्टी रामासामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वड्डक्कापट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वड्डक्कापट्टी रामासामी मूवी के
अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल RR मीडिया को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्का पुट्टी रामासामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो डिक्वीन लूना फ्रेम फेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है, और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया है कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिल करके इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की, तो इस फिल्म में रामासामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं, और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें MSM आसकर नज़र आएंगे। बारामा सामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे। और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं, जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है, जिसमें गौंडामढ़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया, और एक आदमी वडक्कू पट्टी रामासामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कार्यालय गना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर ना करे, वडक्का पुट्टी रामासामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में अब भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है, और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कू पट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्का पुट्टी रामासामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल RR मीडिया को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्का पुट्टी रामासामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो डिक्वीन लूना फ्रेम फेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है, और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया है कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिल करके इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश।
यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की, तो इस फिल्म में रामासामी के रूप में हमें संतानामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें एमएसएम आसकर नज़र आएंगे। रामासामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे। और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं, जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान रासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है, जिसमें गौंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया और एक आदमी व डाकू पट्टी रामासामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलैंगना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी स्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर न करे, वड़क्कपुट्टी रामासामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है एक मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कुपट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्कपुट्टी रामासामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्कपुट्टी रामासामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक्वीन लूना फ्रेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिलकर के इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की, तो इस फिल्म में रामासामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें एमएसएम आसकर नज़र आएंगे। रामासामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं, जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान रासा
1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है जिसमें गौंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया, और एक आदमी व डाकू पट्टी रामासामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलंगना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर ना करे, वड़क्कापुट्टी रामासामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में अब भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कुपट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्कापुट्टी रामासामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्कापुट्टी रामासामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक्वीन लूना फ्रेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया है कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिल करके इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामासामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें एमएसएम आसकर नज़र आएंगे। रामासामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है जिसमें गौंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया और एक आदमी व डाकू पट्टी रामासामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलंगना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको
मजबूर ना करे वड़कपुटी रामास्वामी, अभी भी आपको विचित्र पत्रों में भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 1.5 दी है, 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कुपट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्कुपट्टी रामास्वामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्कुपट्टी रामास्वामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक्वीन लूना फेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिल करके इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामास्वामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुस्वामी के रूप में हमें MSM आसकर नज़र आएंगे। रामास्वामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे और इस फिल्म में और भी कई कलाकार जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उथांस रासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है जिसमें गोंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मर गया और एक आदमी वडक्कुपट्टी रामास्वामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलंगना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी स्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर ना करे वडक्कुपट्टी रामास्वामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 1.5 दी है, 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कुपट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण
कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वड्डक्का पुट्टी रामासामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वड्डक्का पुट्टी रामासामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक्वीन लूना फ्रेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिल करके इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामासामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें एमएसएम आस्कर नज़र आएंगे। रामासामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है जिसमें गौंडामढ़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया और एक आदमी वड्डक्कापट्टी रामासामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलंगना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर न करे, वड्डक्कापट्टी रामासामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वड्डक्कापट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वड्डक्कापट्टी रामासामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वड्डक्कापट्टी रामासामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक्वीन लूना फ्रेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है।
इस फिल्म को निर्देशित किया है कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विग्नेश बाबू, विग्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिल करके इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथानाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामास्वामी के रूप में हमें संतानामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें एमएसएम आसकर नज़र आएंगे। रामास्वामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे। और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है जिसमें गौंडामढ़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया और एक आदमी व डाकू पट्टी रामास्वामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलाना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर ना करे, वड़क्का पुट्टी रामास्वामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कू पट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्का पुट्टी रामास्वामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्का पुट्टी रामास्वामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक क्वीन लूना फेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विग्नेश बाबू, विग्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिल करके इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथानाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामास्वामी के रूप में हमें संथानामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें एमएसएम आसकर नज़र आएंगे। रामास्वामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा
हमारा नज़र आएंगे। और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं, जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है, जिसमें गौंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया, और एक आदमी व डाकूपट्टी रामासामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलाना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी स्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर ना करे, वड़क्कपट्टी रामासामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कुपट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्कपट्टी रामास्वामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्कपट्टी रामास्वामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक्वीन लूना फ्रेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिलकर के इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामास्वामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें MSM आसकर नज़र आएंगे। रामास्वामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं, जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है, जिसमें गौंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया और एक आदमी व डाकूपट्टी रामास्वामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलाना टीवी ने को बेचा गया है।
इस फिल्म के साउंड ट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर न करे, वड़क्कापट्टी रामासामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में अब भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कुपट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्कापट्टी रामास्वामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्कापट्टी रामास्वामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक्वीन लूना फेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया है कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिल करके इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामास्वामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुस्वामी के रूप में हमें MSM आसकर नज़र आएंगे। रामास्वामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है जिसमें गोंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया और एक आदमी वडक्कापट्टी रामास्वामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलाना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर न करे, वडक्कापट्टी रामास्वामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में अब भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कापट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने
रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्कापट्टी रामासामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्कापट्टी रामासामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक्वीन लूना फेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिलकर के इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामासामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें एमएसएम आसकर नज़र आएंगे। रामासामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे और इस फिल्म में और भी कई कलाकार जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार नियाजलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उथाम सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है जिसमें गौंडामढ़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया और एक आदमी वडक्कापट्टी रामासामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलंगना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी स्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर ना करे, वडक्कापट्टी रामासामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कापट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्कापट्टी रामासामी मूवी के
अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल RR मीडिया को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्का पुट्टी रामासामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो डी क्वीन लूना फेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है, और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात करें तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात करें तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिलकर के इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की, तो इस फिल्म में रामासामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं, और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें MSM आसकर नज़र आएंगे। रामासामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे। और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं, जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान रासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है, जिसमें गौंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया, और एक आदमी वड्डा को पट्टी रामासामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलंगना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर ना करे, वडक्का पुट्टी रामासामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं, और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है, और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कू पट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है, जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्का पुट्टी रामासामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल RR मीडिया को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्का पुट्टी रामासामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो डी क्वीन लूना फेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है, और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात करें तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात करें तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिलकर के इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश।
यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की, तो इस फिल्म में रामास्वामी के रूप में हमें संतानामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुस्वामी के रूप में हमें MSM आसकर नज़र आएंगे। रामास्वामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे। और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं, जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है, जिसमें गौंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया और एक आदमी व डाकू पट्टी रामास्वामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलाना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर ना करे, वड़क्का पुट्टी रामास्वामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कू पट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RR मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्का पुट्टी रामास्वामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल RR मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्का पुट्टी रामास्वामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक्वीन लूना फेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिलकर के इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की, तो इस फिल्म में रामास्वामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुस्वामी के रूप में हमें MSM आसकर नज़र आएंगे। रामास्वामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं, जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है, जिसमें
गौंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया, और एक आदमी व डाकू पट्टी रामासामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 से और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कार्यालय गना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर न करे, वड़क्कपट्टी रामासामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में अब भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कुपट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्कपट्टी रामासामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्कपट्टी रामासामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक्वीन लूना फ्रेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिलकर के इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामासामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें एमएसएम आसकर नज़र आएंगे। रामासामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है जिसमें गौंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया और एक आदमी व डाकूपट्टी रामासामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 से और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कार्यालय गना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर न करे, वडक्कपट्टी
रामास्वामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में अब भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कुपट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वडक्कुपट्टी रामास्वामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वडक्कुपट्टी रामास्वामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक क्वीन लूना फेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिलकर के इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामास्वामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें MSM आसकर नज़र आएंगे। रामास्वामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार निया जलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उत्थान सरासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है जिसमें गोंडामड़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मार गया और एक आदमी वडक्कुपट्टी रामास्वामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कलंगना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक सान रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी अस्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर न करे वडक्कुपट्टी रामास्वामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में अब भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वडक्कुपट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण
कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज्यादातर समय अपना सिर झुल खुजलाने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वड्डक्का पुट्टी रामासामी मूवी के अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरआर मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वड्डक्का पुट्टी रामासामी यह 2024 भारतीय तमिल भाषा की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो डिक्वीन लूना फेम कार्तिक योगी द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें संथनाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है। इस फिल्म को निर्देशित किया है कार्तिक योगी ने। फिल्म के लेखक की बात कर तो फिल्म के लेखक भी वही हैं। इस फिल्म की पटकथा की बात कर तो विघ्नेश बाबू, विघ्नेश वेग, वेणुगोपाल और अतिरिक्त कई लोगों ने मिल करके इस कहानी को लिखा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमको नज़र आने वाले हैं संथनाम और मेघा आकाश। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं और उनके प्रारूपों की तो इस फिल्म में रामासामी के रूप में हमें संथनामा नज़र आने वाले हैं और मेघा आकाश डॉक्टर कलाविजी के रूप में नज़र आएंगे। मानुसामी के रूप में हमें एमएसएम आसकर नज़र आएंगे। रामासामी के दोस्त मुरुगेशन के रूप में हमें लोभू सभा हमारा नज़र आएंगे और इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं जैसे जान विजय रवि, तहसीलदार नियाजलाव रवि और राजेंद्र कुलेश, स्वामीनाथन जीवी रवि जिला कलेक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। फिल्म का शीर्षक उथामस रासा 1993 के एक कॉमेडी दृश्य पर आधारित है जिसमें गौंडामढ़ी पूछते हैं कि उन्हें कौन मर गया और एक आदमी वड्डक्कापट्टी रामासामी के साथ जवाब देता है। यह फिल्म 1960 और 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों में एक ही शेड्यूल में की गई थी। यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार कार्यालय गना टीवी ने को बेचा गया है। इस फिल्म के साउंडट्रैक रोल्डन ने के द्वारा रचित किया गया है। सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि सभी स्पष्ट खामियां के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर ना करे, वड्डक्कापट्टी रामासामी अभी भी आपको विचित्र पत्रों में अब भारी अपनी रंगीन दुनिया में खींचते हैं और आपको छोड़ देती है एक मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलोचक ने इसको 5 में से 2 की स्टार रेटिंग दी है और 2 या 1.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वड्डक्कापट्टी रामास्वामी एक पूर्ण नाटकीय फिल्म है जो आम दर्शकों से हंसने और रोने निराश होने के लिए बनाई गई है। इसमें 2 घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान इंडिया टुडे के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और लिखा कि संथनामा की महत्वपूर्ण कॉमेडी इसकी मूर्खतापूर्ण है कि यह आपको ज़्यादातर समय अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगी।